6 विषय हिंदी व्याकरण प्रकरण वचन। दूसरा उदाहरण है, नेताजी बोले हम जीत गए तो यहाँ डिग्री कॉलेज खुलवा देंगे। वचन परिवर्तन, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए कुछ नियमों को याद रखना होता है। इन नियमों के आधार पर वचन परिवर्तन करना आसान रहता है। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आई आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे एक वचन कपड़ा, बहुवचन कपड़े। एक वचन तकिया, बहुवचन तकिए। एक वचन लड़का, बहुवचन लड़के। एक वचन रास्ता, बहुवचन रास्ते। एक वचन पपीता, बहुवचन पपीते। एक वचन रुपया, बहुवचन रुपये। एक वचन लोटा, बहुवचन लोटे। एक वचन बस्ता, बहुवचन बस्ते। एक वचन पंखा, बहुवचन पंखे। एक वचन बेटा, बहुवचन होगा बेटे। एक वचन बूढ़ा, बहुवचन होंगे बूढ़े। एक वचन पहिया, बहुवचन होंगे पहिए। एक वचन भाला, बहुवचन होंगे भाले। एक वचन घोड़ा, बहुवचन होंगे घोड़े। दूसरा नियम है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आई ए को ए में बदलकर, जैसे एक वचन आँख, आँखें। सड़क एक वचन है, सड़कें बहुवचन होगा। बंदूक एक वचन, बंदूकें बहुवचन। अदालत एक वचन, अदालतें बहुवचन। सलाख एक वचन, सलाखें बहुवचन। कलम एक वचन, कलमें बहुवचन। राह है एक वचन, राहें बहुवचन। पुस्तक एक वचन, पुस्तकें बहुवचन। मेज एक वचन, मेजें बहुवचन। तलवार एक वचन, तलवारें बहुवचन। मशीन का बहुवचन होगा मशीने। बहन का बहने। दवात का दवाते। बात का बातें। तीसरा नियम, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आई को लगाकर, जैसे एक वचन कथा है, बहुवचन हो जाएगा कथाएं। एक वचन कन्या है, बहुवचन हो जाएगा कन्याएं। एक वचन लता है, इसका बहुवचन होगा लताएं। एक वचन सेना है, बहुवचन होगा सेनाएं। एक वचन महिला है, बहुवचन होगा महिलाएं। एक वचन कविता है, बहुवचन होगा कविताएं। एक वचन पुस्तिका है, बहुवचन होगा पुस्तिकाएं। एक वचन माला है, बहुवचन होगा मालाएं। एक वचन सभा है, बहुवचन होगा सभाएं। एक वचन शाखा है, बहुवचन होगा शाखाएं। एक वचन माता है, बहुवचन होगा माताएं। एक वचन कला है, बहुवचन होगा कलाएं। एक वचन योजना है, बहुवचन होगा योजनाएं। एक वचन परीक्षा है, बहुवचन होगा परीक्षाएं। चौथा नियम, इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आई छोटी ई बड़ी ई को ईआ में बदलकर बहुवचन बनाए जाते हैं।